चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बेसिक लेवल प्लस एडवांस लेवल दोनों चीज़ हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करें, कृपया इसे पूरा देखें आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलो हम लोग समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एडवांस लेवल प्लस बेसिक्स लेवल दोनों समझ लेते हैं। वीडियो हमें आशा है थोड़ा लंबा हो सकता है जरूर, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट मिस होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मिस होता है यदि कोई काम को हम लोग निरंतर करते रहते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। टेंस, टेंस मिस होता है काल, इसको हम लोग मिलाकर बोलेंगे या हम मिलाकर कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है वर्तमान में यदि कोई काम लगातार चल रहा हो, वर्तमान में यदि कोई काम निरंतर चल रहा हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लें। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेसिक्स लेवल से। बेसिक लेवल, बेसिक लेवल में आइडेंटिफिकेशन इसका बनाएंगे। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन तैयार कर लेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि दोस्त आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आइडेंटिफिकेशन इस पहचान होता है। चलो इसको पहचान बना लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं तथा या और रहता है, रहती है, रहते हैं, etc. ये क्या हो जाती है भाई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। क्या हो जाएगी भाई, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपकी। इसके बाद इसमें हम जानेंगे कि इसे एडवांस लेवल अथवा लो लेवल में कितने पार्टों में इसको बांटा गया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला भाग जो होता है आपका प्रेजेंट होता है, दूसरा भाग इसी में बनाते हैं हम लोग पास्ट हो जाता है आपका, तीसरा भाग भाई हो जाता है, तीसरी बात इसमें हो जाता है फ्यूचर हो जाता है इसी का, और चौथा इसी में जो हो जाता है फॉर टेम्परेरी हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेरी हो जाता है। ये आपका एडवांस लेवल हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्लस फॉर टेम्परेरी हो जाता है। तो हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। इसमें अलग अलग कंसेप्ट आपको हम बताएंगे, अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है, शायद ही कोई इस तरीके से आप लोगों को वीडियो में बताया हो। चलिए सबसे पहले पार्ट हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट का। चलो प्रेजेंट का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट प्रेजेंट बनाना है अपने को। चलो प्रेजेंट वाला देख लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तैयार कर लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमें आप लोग बता सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई जाती है, जल्दी बताइए कमेंट करके, हमें हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि कारण यह होता है कि यहां पर कंटिन्यूअस की बात की जा रही है, इसी से हम लोग पहचान कर पा रहे हैं कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। अन्यथा ये जो इज, एम, आर है, ये तो कई जगहों पे लगाया जाता है, एक रूप से देखा जाए तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन आईएनजी जो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं इसकी वजह से ही ये कौन सा टेंस बन जा रहा है, कंटिन्यूअस का टेंस बन जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी की एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं, फोर फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, वर्ब की फोर फॉर्म भी बोल सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लोग हम लोग तैयार करते हैं। एग्जाम्पल क्या, इसका निगेटिव कंस्ट्रक्शन अगर बनाना है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, नॉट कर लेंगे, तो इसका निगेटिव भी बन जाए। चलो एक एग्जांपल छोटा सा पहले ले लेते हैं हम लोग। नंबर एक, वह खा रहा है, खा रहा है, क्या लिखा मैंने सिंपल में, वह खा रहा है, तो वह की लिस्ट क्या होगी भाई, ही हो जाएगी, इज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, ही इज। यहां पर आप लोग हैविंग चांस लगा सकते हैं, टेकिंग लगा सकते हैं, ईटिंग लगा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। चलो हम लोग जैसे लिख देते हैं ईटिंग, ही इज
ईटिंग, वह खा रहा है और वह नहीं खा रहा है, क्या कर लेंगे जैसे इसकी निगेटिव, वह नहीं खा रहा है, तो ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। इसी की इंटूगेटिव यदि हमें तैयार करना है, चलो उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन तैयार कर लो, तैयार कर लेते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे। चलिए इसी तरह की हम लोग सीख लेते हैं, इसका इंट्रोगेटिव तैयार कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हमें यहाँ पर क्या इंग्लिश नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, इसी के हेल्पिंग वर्ब हमें उतार देना है। चलो देखते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई हम लोग, तो सिंगुलर नाउन है, हम लोग क्या करेंगे, इज ही गोइंग, इज ही क्या कर लेंगे भाई, इज ही गोइंग हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी अगर हमें निगेटिव तैयार करना है, तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस क्या करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कर लेंगे, नॉट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नॉट कर लेंगे, क्या वह जा रहा है, तो ये तो हो गया ये, और इसी को बनाना है जैसे इंट्रोगेटिव भी निगेटिव, क्या वह नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज He not going, क्या वह नहीं जा रहा है, is he not going। अब नंबर आता है डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इसी तरह तैयार कर लेते हैं। चलो आगे यहां देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, तुम कब सो रहे हो, सो रहे हो, तो क्या करेंगे इसका इंग्लिश भाई, व्हेन व्हेन आर यू स्लीपिंग, व्हेन आर यू स्लीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसकी निगेटिव अगर तैयार करना, तो क्या, तुम कब नहीं सो रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, नॉट कर लेंगे, तुम कब नहीं जा रहे हो, व्हेन आर यू, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहां क्या कर लेंगे, नॉट जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें आशा है क्या सिंपल आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए इसी में हम लोग दूसरा पार्ट सीख लेते हैं एडवांस लेवल से थोड़ा सा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, प्रोग्रेसिव केस बनाएंगे, प्रोग्रेसिव में इसको हम लोग तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो हमें इसका दूसरा पार्ट सीखना है, प्रेजेंट मैंने सीख लिया, इसी का हम लोगों को पास्ट में सीखना है, पास्ट में किस तरीके से प्रयोग होता है देख लेते हैं हम लोग। हैपनिंग अगेन एंड अगेन, कहने का मतलब यदि कोई घटना बार बार से घटित हो तो वो भी कंटिन्यूअस में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कुछ रूल्स होता है, कुछ तरीके होते हैं, किस तरीके से करते हैं चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चीज तो इसमें जान लेते हैं क्या क्या चीजें आपकी लगाई जा सकती है हैपनिंग अगेन इन अगेन में, देख लेते हैं इसको। तो इसमें हम जो लगाते हैं दो चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, नंबर एक Always या नंबर दो फॉर एवर, इन दो चीजों को लगाकर ही दूसरे रूल्स को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितने चीजों को, दो चीजों को लगाकर कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे वह हमेशा सोचता रहता, वह हमेशा सोचता रहता है, वह हमेशा सोचता रहता है, तो क्या कर लेंगे भाई, ही इज
ऑलवेज, ध्यान दीजिए, ही इज ऑलवेज क्या करता रहता है, सोचता रहता है, ऑलवेज थिंकिंग, वह हमेशा सोचता रहता है। तो हम लोग ऑलवेज के स्थान पर फॉर एवर का भी प्रयोग लगा सकते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल और बना लेते हैं इसी तरह से, जैसे तुम हमेशा खेलते रहते हो, तुम हमेशा खेलते रहते हो, तो यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज क्या करते रहते हो भाई, खेलते रहते हो, तो क्या कर लेंगे, प्लेइंग, तुम हमेशा खेलते रहते हो। मतलब इस तरीके से अगर आता है सेंटेंस तो उस अवस्था में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ों का जरूरत पड़ता है, नंबर एक ऑलवेज, नंबर दो फॉर एवर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वह हमेशा सोचता रहता है, ही ऑलवेज थिंकिंग, तुम हमेशा खेलते रहते हो, यू आर ऑलवेज प्लेइंग। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एक और, वह सॉरी मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ, मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ, ही आई ऑलवेज, आई एम ऑलवेज क्या करता रहता हूँ, दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश रन, रनिंग में क्या हो जाएगा, रनिंग, मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज रनिंग। हमें ऐसा है, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो इसकी स्क्रीन शॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए इसी तरीके से हम लोग सीख लेते हैं तीसरा, इसका फ्यूचर वाला देखते हैं। इसको हम लोग प्रयोग वहां पर करते हैं जैसे प्लान्स प्लान्स ऑरेंज मेंट्स, जैसे किसी चीज का प्लान किया जाए फ्यूचर में और अरेंजमेंट के साथ किया जाए, उसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, फ्यूचर प्लान एग्रीमेंट्स प्रोग्रेसिव टेंस में करते हैं। चलो देख लेते हैं, इसको कुछ सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं। जैसे आई एम बाइंग ए फुटबॉल, फुटबॉल दिस ईयर। चलो इसका मतलब समझ, कहने का मतलब हुआ मैं एक गेंद या एक फुटबॉल खरीदूंगा इस साल में, या यहां पर हम लोग यहां ये भी कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, आई एम बाइंग अ फुटबॉल दिस ईयर, मैंने, कहने का मतलब है मैं एक फुटबॉल खरीदूंगा, और कब खरीदूंगा, इस साल में खरीदूंगा, कब खरीदूंगा भाई, इस साल में खरीदूंगा। लेकिन बात यहां जो हो रही है किस चीज की बात हो रही है, कोई निश्चित बात नहीं है, यहां पर फ्यूचर की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि मैं एक फुटबॉल खरीदूंगा इस ईयर, इस साल के अंदर मैं कभी भी फुटबॉल खरीद सकता हूं, लेकिन उसका कोई डे अथवा दिन डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम कौन से बोलेंगे, फ्यूचर प्लान्स अरेंजमेंट्स बोलते हैं। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, और जैसे यू आर प्लेइंग ए गेम टुमारो, टू मा रो, कहने का मतलब क्या हो रहा है भाई, यू आर प्लेइंग गेम टुमारो, मैं कल गेम खेलूंगा या खेल रहा हूंगा, कहने का मतलब यहां ये बात हो रही है, टुमारो यानी कल गेम मैं खेलूंगा, कोई यहां पर निश्चित बात हो नहीं आपकी पाई जा रही है, क्या किया जा रहा है, कल की बात किया जा रहा है। और देख लेते हैं जैसे तीसरा, ही इज बीपिंग दिस मंथ, कहने का मतलब यहां क्या हो रहा है भाई, वह रोएगा इस महीने में, लेकिन कोई उसकी गारंटी नहीं है। तो इस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, फ्यूचर प्लान्स का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है आप लोगों को लिख दे रहे हैं डिटेल से, केयर करिए थोड़ा ऊपर, जैसे इसमें हो सकता है नेक्स्ट मंथ,
मंथ, ईयर एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, ईयर और टुमारो इत्यादि अगर चीजें आती हैं तो कौन सा हो जाता है, फ्यूचर प्लान्स में आपका चला जाता है। किस में चला जाएगा भाई, फ्यूचर प्लान्स में आपका चला जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट आप लोग मान लो, मैं आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग सीख लेते हैं लास्ट वाला, फोर्थ, फार टर्म प्रेरी वाला। चलो उसको देख लेते हैं हम लोग, फार टर्म प्रेरी। फार टर्म प्रेरी का प्रयोग प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहां कहां पर किया जाता है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, जैसे मैंने लिखा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें टेम्परेरी बात की जा रही है। जब तक मैं सीख रहा हूं तब तक मुझे बोलना आ रहा है, छोड़ देंगे, बोलना नहीं आएगा। मैं दूसरा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब आज जा रहा है, कल जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई गारंटी उसकी नहीं है। तो ये क्या फॉर्म में हो जाता है, टेम्परेरी। और देख लेते हैं, यू आर रीडिंग अ इंग्लिश बुक, कहने मतलब क्या हो रहा है इसमें भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब आज हुआ इंग्लिश की बुक, मतलब यू आर रीडिंग बुक, तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, अब अभी पढ़ रहे हो, कल कहा जी कौन सी किताब पढ़ो, कोई गारंटी उसकी नहीं है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, आई एम वॉकिंग दिस विलेज, कहने मतलब क्या हुआ, मैं इस गांव में घूम रहा हूं, कल गारंटी नहीं किसी गांव में आप घूमोगे, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेरी सेंटेंस हो जाते हैं। तो हमें आशा है आप लोगों के यहाँ चारों प्रकार के सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे की चीजें हम और कुछ सीख लेते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं किस तरह के वाक्यों में हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, आई लाइक चाइनीज फूड। तो ये यहाँ पर जो वाक आपका आ रहा है, आई लाइक चाइनीज फूड, मैं चाइनीज खाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर जो है लाइकिंग नहीं हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा भाई, लाइकिंग नहीं हो जाएगा, और चाइनीज का चाइनीजिंग नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आईएनजी ना प्रयोग करेंगे, ना कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैं चाइनीज खाना खाना पसंद कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, चाइनीज खाना खाना पसंद कर, सेंस वही निकल रहा है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, रिलेशन टू सेंस, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, रिलेशन टू सेंस के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह दूसरा हमने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, मुझे यात्रा करना पसंद है, या मैं यात्रा से प्यार करता हूँ, यात्रा करने से, मैं यात्रा करने से प्यार कर रहा हूँ या प्यार करता हूँ, तो यहाँ लविंग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ट्रेवलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ट्रेवलिंग हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, आई वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, मैं एक मूवी देखना चाहता हूँ, या मैं एक मूवी देख पा रहा हूँ, आई वॉन्ट, वॉन्टिंग नहीं हो जाएगा, वॉचिंग नहीं हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू वॉचिंग ए मूवी, यहाँ पर हम लोग आई एन जी वॉन्टिंग नहीं लगा सकते, नहीं सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आई नीड ए कार, मुझे एक कार की हो सकता है, यानी कि मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, दिमाग में आपके चल रहा है, यहाँ नीडिंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हो जाए क्या, आई नीड ए कार। उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो द कुक, मैं खाना बनाना जान रही हूँ, या मैं खाना बना रही हूँ, आता है सेंटेंस आपके सामने, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए, नोइंग नहीं हो जाए, आई नो द कुक, आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे विश्वास है किस पर, अपनी सकारात्मक सोच पर। तो इस तरीके से सेंटेंसेज में या इस तरीके से वर्ब में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं भाई, आई एन जी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। स्क्रीन शॉट इसका मान लीजिए आप लोग, ओके हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इसको भेजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजते रहिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।